नमस्कार भाई दोस्तों, अमेरिका में तो नंदू जी फंसे हुए हैं और यहाँ फंस गए, इंडिया में फंस गई तुम्हारी कंगना, फंस गई पूरे तरीके से फंस गई। 25 अक्टूबर को पेश भी होना है और कर टिप्पणी, और तू अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर कि तू तो पता नहीं क्या बोल सकती है, ध्यान से सुन लेना कहाँ फंसी है। और हाँ, संतों के बारे में आज जो आपको दिखाएंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ जो भी भंडी प्रचार कंगना करना चाह रही है, बच्चा बच्चा फैन हो जाएगा, बच्चा बच्चा आर्मी तक फैन है संतों की, नहीं पता क्या? बताते हैं, थोड़ा ध्यान से दिखाते हैं। और पहले तो अरे इसका सुन लो, फिर अपने नंदू का सुन लो, और फिर सुनो तुम्हारे साथ वो क्या रहा है। तुम हरियाणा में जो करने की कोशिश कर रहे थे ना, सिख वर्षित हरियाणा करने की कोशिश कर रहे थे, फैल होगी तुम्हारी सारी मनसा। मतलब जहां पर सिख इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर तुम कृपाने लगा के सब कुछ लगा के सिखों के अंदर घुस जाओगे। कैसे घुस जाओगे? पकड़े गए और फिर कौन किसके आई टी सेल के बंदे मिल रहे हो तुम? बीजेपी आई टी सेल के बंदे। सुनो जरा, तुम फंसते कैसे हो? हमेशा अपने विवादित बयानों से को लेकर चर्चा में रहने वाली अभिनेत्री बोलते हैं इसको, और हिमाचल की मंडी की डैश 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 कंगना रनौत बुरी तरह फंस गई है। किसान आंदोलन और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में बुलंदशहर कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ परिवाद दायर हुआ है। अपर सिविल जज परवर खंड 2 MP MLA न्यायालय के न्यायाधीश अर्जुन सिंह ने उन्हें 25 अक्टूबर को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है, पेश होना पड़ेगा। अभिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डिबाई के मोहल्ला नमक मंडी निवासी राजेंद्र शर्मा ने MPMLA न्यायालय में वाद दायर किया है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून के विरुद्ध दिल्ली में किसानों ने 13 माह तक धरना दिया। इस दौरान किसान नेता राजेंद्र शर्मा भी किसानों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे। धरने के दौरान सांसद बनने से पहले फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने किसानों पर कई विवादित बयान दिए थे, जिसके कारण उसके ऊपर यह मामला दर्ज कर दिया गया। 19 सितंबर को वाद दायर किया गया। 20 सितंबर को न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत को 25 अक्टूबर को न्यायालय में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी हो गया। ये तो फंसी तुम्हारी ये। अब तुम्हारे को संतों का बताएं, उससे पहले तुम्हारे को ये जो पहले थोड़ा सा ना सुन लो, इस वीडियो को दिखा इसलिए नहीं सकते क्योंकि ना फिर इनको मिर्चियां ज्यादा लग जाएंगी, बहुत ज्यादा मिर्चियां लग जाएंगी। वीडियो हाँ, वो वीडियो जरूर दिखा देंगे आपको, संतों वाला वीडियो दिखाएंगे आपको, और आप देखना अगर आप शेयर किए बिना रह जाओ तो गारंटी है हमारी, शेयर किए बिना रह जाओ तो। ये क्या हो गया रे तुम्हारे साथ, ये क्या हो रहा है? भागे औकात इतनी इनकी, भागने की माफी मांगने की। पाने लगा रखी है ये जो तुम भैयास्थान बनाने की सोच रहे हो ना, पंजाब को हरियाणा को भैयास्थान बनाने की सोच रहे हो, ये तुम्हारी सोच तुम्हारे अंदर ही रह जाएगी, पहले बता दिया है। कहीं तुम है ना कहीं और दूसरा प्रसादा मत लेके बैठ जाना कहीं पे, पहले बता रहे हैं। और हाँ, जो भी है कंगना टंगना रंगना पंगना जो भी है इसका नाम हमारे को नहीं, इसके नाम से कोई मतलब। क्या बोल रही थी संतों के बारे में? संतों के बारे में तू जो भंडी प्रचार कर रही है, एक 28 सेकंड की क्लिप तो आप लोगों को मजबूर कर देगी संतों के बारे में सोचने के लिए, मजबूर 28 सेकंड की क्लिप कर सकती है आपको। आप क्लिप को देखोगे ना तो आप ये बोलोगे हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। एक बार सबसे पहले तो आप लोगों को क्लिप दिखाते, उस क्लिप को देखो। ये आपने कौन सी ये पहन रखी है? ये जो पहन रखी टी शर्ट, क्या नाम है इनका पता है? हमारे आइडल है तुम्हारे। अच्छा, क्या देख लिया तुमने इसमें? इनमें पक्के इंसान है, ये जो बोला वो किया। क्या बात, ग्रेट के साथ सब। अच्छा जी, न्याय किया सबके साथ, न्याय किया है ना, कोई फर्क नहीं, मानवता में कोई फर्क नहीं समझा। बिल्कुल आपने सही पहचाना है इनको, बिल्कुल। आया कुछ समझ में?
आया, ये है संतों का, ये है संतों का सम्मान जो होना चाहिए, ये है संतों का। बोला वो अपनी बात पे अड़िग रहते थे, जो बोला वो किया, जो बोला वो किया और वो करते थे, ये संतों का सम्मान है। और पूरे ड्रेस आपने ध्यान से देख ली कैसी पहन रखी है, ये संतों का सम्मान है। ये सिख तो नहीं है ना, ये लड़का तो सिख नहीं है ना, ये लड़का हरियाणा का है, लड़का तो हरियाणा का है ना। तो जो संतों का सम्मान पूरी दुनिया में है ना, पूरी दुनिया करती है, एक इस टंगना पंगना के कहने से उनका सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, उल्टा ये प्रसादा लेके बैठ जाती है। तुम सिखी भेक बना के पगों में सिर फंसा के सिख जहां पे आंदोलन कर रहे हो वहां पे घुस के, और तुम जो करना चाह रहे हो तुम्हारी वो ना सारी नाकामी दिखा रही है। तुम किसी तरीके इतना होपलेस हो रखे हो, ये तुम्हारी दिखा रही है, ये दिखाया जा रहा है तुम कितने होपलेस हो चुके हो, कितने वहां अमेरिका में वैसे प्रसादा मिल रहा है, यहां तुम्हारे को ऐसे प्रसादा मिल रहा है, तुम प्रसादा ले रहे हो। सुनने में आया है कि नीलबट्टे सन्नाटा हो चुका है तुम्हारे साथ, नीलबट्टे सन्नाटा, और वो हो चुका है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि जब वीडियो पूरा देखते हो ना तब आपकी समझ में आएगा, वीडियो पूरा देखने के बाद ही समझ पाओगे बात क्या थी पूरी। एक छोटी सी क्लिप देख के आप लोगों को इतना कुछ हो सकता है, तो क्लिपें ऐसी भी बनती हैं, ऐसी भी क्लिपें बनाई जाती हैं। ये देखा, इसको कहते सम्मान, ये सम्मान कमाया है संतों ने, कमाया ये सम्मान, अपनी जान देकर सम्मान कमाया, शहीदी देकर सम्मान कमाया है। तुम्हारे कहने से उनके सम्मान में कोई कमी आएगी, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल। इस भूल से बाहर निकल जा, जो भी है कंगना भी तो तू कंगाल हुई है, कंगाल मैं नहीं कह रहा, ये एक वीडियो चल रहा था कंगाल कंगना करके कोई वीडियो चल रहा था कि मंडी की डैश 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 कंगाल होगी कंगना, ऐसा कुछ दिखाया जा रहा था। तो ये तुम्हारे वीडियो बन रहे हैं, कहाँ कहाँ तुम्हारे वीडियो बन रहे हैं, तिरुपति के मंदिर के अंदर तुम मतलब के सुअर की गाय की चर्बी मिला रहे हो प्रसाद के अंदर, तुम धर्म का अपमान खुद कर रहे हो, और फिर तुम धर्म की राजनीति के बहुत बड़े ठेकेदार बन के दिखाते हो कि नहीं हमारे से बड़ा तो कोई ठेकेदार ही नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं हमारे से बड़ा, तुम नकली ठेकेदार हो, तुम्हारे कारण पूरा धर्म बर्बाद हो रहा है, पूरा धर्म तुम्हारे कारण बर्बाद हो रहा है। तुम इस धर्म को बर्बाद करने के पीछे ना ये जो चिंटू मिंटू है ना, इनका हाथ है सबसे ज्यादा, ये छोटे छोटे पपीज जो होते हैं बड़े ठेकेदार बन जाते हैं, ये एक सेकंड में ठेकेदार बन जाते हैं, और बाकी ठेकेदारी इनसे अपने घर की नहीं ली जाती, अपने घर के भी ठेकेदार नहीं है ये, लेकिन ठेका देखो सबका उठा लेते हैं। ये क्या भैयास्थान बनाने की सोच रहे हो क्या? नहीं बनेगा भैयास्थान, वहां बनेगा सबको पता वो खालसा का स्थान है, खालसा का स्थान है, खालसा की जगह है, कर दो भाई संयुक्त पंजाब खालसा राज है, खालसा राज का नाम संयुक्त पंजाब है। तुम्हारे दिक्कत तकलीफ क्यों हो रही है इतनी ज्यादा? ये दिक्कत है ना तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी, नहीं तो 3 दिन बाद तुम्हारा पापा आएगा वहां से, उससे पूछ के देख लेना कि वहां पे क्या हुआ पापा, डंका बजा या फूट गया, वो बताएगा चुपचाप रहो डंका बहुत जोर से फूटा है। अब ये डंका बाद में सुनाई देगा, बाद में दिखाई देगा और बाद में उसकी गूंज भी सुनाई देगी तुम्हारे को, और ऐसी गूंज सुनाई देगी, सुने अरे एक अंध भगत बर्बाद हो गया भाई, सुनने में आया है एक अंध भगत बर्बाद हो गया। चलो आज एक लास्ट में एक सवाल भी पूछ लेते हैं, भाई शब्द का है ना सिक्की के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले भाई की उपाधि किसे मिली थी और किसने दी थी? भाई शब्द जो हम बोलते हैं ना, भाई भैया नहीं, भैया अलग चीज है, भाई शब्द की उपाधि सबसे पहले किसे मिली थी और किसने दी थी आप बताना कमेंट करके। देखते हैं आप लोग कितना लास्ट तक वीडियो देखते हो, जो इस पे कमेंट करेगा पता लग जाएगा आप कितना वीडियो को लास्ट तक देखते हो और कितना नहीं देखते हो। चैनल को ज्वाइन करना, और जो थैंक्स ऐप का प्रयोग करता है कर सकता है भाई, उसको तो पक्का करना जिसने शर्त लगाई थी। आप लोगों की क्या राय है अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक भोजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।